जरूरी है कि सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जाए और ये जो तत्परता दिखाई है किसान बोर्ड ने या सरकारी विभाग ने, इसके लिए मैं इस आयोजन से जुड़े सभी अपने साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। गुल्लू साहब विशेष रूप से रुचि लेकर के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या हो सकता है, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके क्या नया रास्ता बनाया जा सकता है, इसमें काफी ध्यान दिया है। सीप रियरिंग और सीप फार्मिंग से जुड़े प्रोग्रेसिव इंटरप्रेन्योर ताहिर अहमद साहब की बातें मैंने सुनी, लोकल वुल को प्रमोट करके नई उपलब्धियां हासिल करने वाले यासिर साहब की कहानी भी सुनी है और चुनौतियों को भी समझने का अवसर मिला। दस फरवरी की तारीख मुझे याद है, अभी जिक्र किया मेरे पहले भी, न्यूजीलैंड के साथ सी फार्मिंग के क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ट्रेनिंग के लिए एमओयू साइन किया गया। उसके बारे में पहले वक्ताओं ने विस्तार से बताया है, मैं उसमें समय नहीं जाया करना चाहता हूं। आंकड़े भी बहुत सारे बताए गए हैं, अगर आप गौर करेंगे तो 2020 के आसपास लाइव स्टॉक सेंसस के डेटा को भारत सरकार ने एनालाइज किया और एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को अगर गौर से आप देखेंगे तो एक बात, एक सज्जन ने उसका जिक्र भी किया था कि 2012 से 19 के बीच सीप या भेड़ों की आबादी में लगभग 4.19% की गिरावट आई। 2012 में जम्मू कश्मीर में कुल भेड़ों की संख्या 3.4 मिलियन थी, लेकिन 2019 में घटकर के 3.2 मिलियन हो गई। यह सच है कि उनके उत्पादन में हम देश में दूसरे नंबर और क्वालिटी के लिहाज से सबसे बेहतर। अब सी फार्मिंग से जुड़े जो हमारे ट्राइबल भाई हैं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना, बुनकरों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन स्थापित करना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर पुराने दस्तावेजों की तरफ आप जाएंगे ब्रिटिश शासनकाल, एक किस्सा मैंने पढ़ा कि जब कश्मीर घाटी में दो पड़ोसी औरतों में झगड़ा होता था तो जिस गाली का प्रयोग यहाँ की बहनें करती थी वो कहती थी कि जा तेरी बेटी की शादी किसी बुनकर से हो जाए। अब इसको अगर समझे आप तो इसके पीछे कारण क्या होगा, किसी फार्मिंग वाले समुदाय की बजाय असली प्रॉफिट वो मैन्युफैक्चरर को होता था और बुनकर बेचारा जो है इसी तरह से गुजर बसर करता था। मुझे लगता है कि एक चुनौती ये भी है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। अब उन्हीं दस्तावेजों के मुताबिक 1900 में शायद कोई गांव सीप फार्मिंग से अछूता नहीं था यहाँ, और एक जगह उसमें जिक्र किया गया है कि नॉर्थ कश्मीर में सबसे बेहतर क्वालिटी के ऊन का उत्पादन होता था और उसका लगभग 80% यूरोप फ्रांस को एक्सपोर्ट होता था, 10% अमेरिका को और 5% ऊन का इंपोर्ट इटली को होता था। उस जमाने में हर साल 18 लाख रुपए की आमदनी थी केवल साल और अम्बल से लोग। अब 1900 और आज 2022 में हम बैठे, अगर 18 लाख को ट्रांसलेट करें तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मिलियन डॉलर हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसमें काफी गिरावट आई। ये अतीत की बातों का स्मरण करना किसी भी समाज के लिए बड़ा आवश्यक होता है,
पुराने तथ्यों के आधार पर नए रोड मैप बनाने हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं होती हैं और उन्हीं पुराने दस्तावेजों में लाइन लिखी है कि जम्मू कश्मीर में भेड़ की सालाना संख्या में हो रहा इजाफा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में बहुत कम था। 20वीं शताब्दी से थोड़ा पीछे जाए तो सन 1873 का एक दस्तावेज मुझे मिला और उसमें लिखा है कि इंक्रीज अमंग द फ्लॉक्स ऑफ सी इन कश्मीर डिड नॉट एक्सीड 5-20% कंपेयर्ड विद यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया वेयर द एनुअल इंक्रीज रीचेज 80%। अभी शीघ्र ही अभी चीफ हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में सी फार्मिंग के डेवलपमेंट तथा हमारे ट्राइबल अफेयर के सेक्रेटरी साहब ने अनेक जानकारियां आपके समक्ष रखी है। मुझे लगता है कि देखना मुनासिब होगा कि ग्रेजिंग लैंड जो हमारी उनकी उपलब्धता सी फार्मिंग के डेवलपमेंट को लेकर और क्या इंटरवेंशन हम कर सकते हैं ताकि आबादी में भी बढ़ोतरी हो सके। और पिछले साल जून में जब इंटीग्रेटेड सीप डेवलपमेंट गाइडलाइंस को फाइनल स्वरूप दिया गया था तो प्रोडक्शन में मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कमी, टेक्निकल ट्रेनिंग की कमी, फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी, इसका जिक्र हुआ था। और मैं कह सकता हूं कि सोच समझ करके हमारे अधिकारियों ने वैज्ञानिकों के साथ सलाह करके पॉलिसी सीप तथा गोट फार्म बनाया है और उसमें प्रोडक्टिविटी, टेक्निकल इंटरवेंशन और इनकम बढ़ाने वाली सभी जरूरी चीजों का ध्यान दिया गया है। मुझे लगता है कि आज की वर्कशॉप के बाद मैं और गहन रूप से इन मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे याद है जब एमओयू साइन हो रहा था तो जो न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर थे डेविड पाइन, उनसे विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की, उसके बाद भी चर्चा हुई। और अभी मेरे पूर्व आपको बताया गया इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। एक मोटे तौर पर जो अनुमान है कि 12 लाख परिवारों ये साधन उपलब्ध कराता है और अगर 12 लाख परिवारों का जीवन हम बदल सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा अवसर है। यहाँ की कंडीशंस के बारे में सबने बताया है। हमारी अर्थव्यवस्था का ये महत्वपूर्ण अंग, लेकिन पूरा पोटेंशियल जो इसका है अभी मुझे लगता है कि उसे और हम टैप कर सकते हैं और निश्चित रूप से विकास के एक महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में अभी भी है और बेहतर हम कर सकते हैं। आंकड़ों से इसकी हमारी जो राज्य की घरेलू उत्पाद में इसका योगदान है उसकी हिस्सेदारी के बारे में चर्चा की गई है, इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। मीट उत्पादन कंजम्पशन पर विस्तार से चर्चा हुई है, मैं मुझे लगता है कि उस चर्चा में नहीं आना चाहता हूं क्योंकि ये सब बातें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन अब हमारा फोकस केवल मीट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। हमारी दिक्कत ये है कि जब हम एक काम लेते हैं तो उसी में जुट जाते हैं, दूसरे पर ध्यान देना कम कर देते हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि इसमें दोनों क्षेत्रों में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिशा में हम प्रभावी कार्रवाई कर सकेंगे। हमें हाई जेनेटिक पोटेंशियल ब्रीड और क्रॉस ब्रीडिंग के लिए एग्जॉटिक ब्रीड पर फोकस करना पड़ेगा। गुरु साहब ने ठीक कहा कि डिजीज कंट्रोल पर ध्यान देना होगा और हमारे सामने जो कमर्शियल चुनौती उस पर भी विचार करना,
ये हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे थे, मुझे लगता है कि अब सभी पशुओं का बीमा करवाने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ये 1-1.5 लाख से बेहतर है, मुझे लगता है कि हमें एक योजना बनानी चाहिए इन सबका बीमा हो जाए। और भारत सरकार ने बड़े पशुओं के लिए एक योजना चलाई है, उनका हेल्थ कार्ड। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, जिस तरह की ब्रीड सब मंगा रहे हैं, जो उनकी कीमत है, इस पर भी हमें योजना बनानी होगी, उनका भी हेल्थ कार्ड हम बना सके और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे भी हम मॉनिटर कर सके। तो निश्चित रूप से जो कठिनाई है उसमें हमें काफी सहूलियत हो सकती है। ब्रीडिंग एवं जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, डिजीज कंट्रोल, प्रिवेंशन और मार्केटिंग स्ट्रेटजी आने वाले सत्र में आप लोग विचार करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बेहतर व्यवस्था हम कायम करके इन 12 लाख परिवारों के समावेशी विकास के एक योजना बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और लाइफ सेक्टर पर निर्भर है। अगर हम ये लक्ष्य, पिछले दिनों 2 दिन की वर्कशॉप हुई उसके बारे में चर्चा की गई, फिर मैं नहीं दोहरा रहा, अगर 70% लोगों के जीवन को हम बदल सकते तो आप समझिए कितना बड़ा लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। हमको इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वर्किंग ग्रुप है वो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगा। मुझे उम्मीद है कि इस वर्कशॉप के माध्यम से जो लोग भी भेड़ बकरी पालन से जुड़े हैं, खासतौर से हमारे ट्राइबल आबादी के लोग हैं, अलग अलग सेक्टर्स में तालमेल बैठाकर आवश्यक इंटरवेंशन चिन्हित करके हम एक बड़ा परिवर्तन करके लोगों के जीवन में सुधार ला सकेंगे। मैं पुनः एक बार कृषि उत्पादन विभाग, श्री फसलन जी, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, प्रोफेसर नजीर गनई साहब, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जो लोग आज आए वही हमारे असली मेहमान हैं, उनको उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। क्योंकि इस बात में सामान्य रूप से इसको वाइस चांसलर साहब से मेरा अनुरोध है, या जो लोग वैज्ञानिक, उसको बुरा न लें। आप देखेंगे देश और दुनिया में जितने बड़े आविष्कार हुए बहुत पढ़े लिखे लोगों ने नहीं किया, ये कम पढ़े लिखे लोगों ने किया, और कई बार तो अनपढ़ लोगों ने किया। और मैं जब दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन रामानुजाचार्य, कोई पढ़ाई नहीं की थी, और जब आप ये मानिए कि जब दुनिया में आविष्कार नहीं हुआ था तब भी भारत के समुद्री जहाज दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाते थे, कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं था, केवल मैथमेटिक्स के आधार पर गणना करके चले जाते, और सोने की चिड़िया भी सर नहीं बनी थी। जो उस समय स्टील प्रोडक्शन हमारा होता था इस देश में वो दुनिया में सबसे बेहतर होता था, हम स्टील लेकर जाते थे, सोना लेकर के आते थे, इसलिए भारत सोने की चिड़िया बना। न्यूटन का नाम आप सब जानते हैं, जो भी थोड़ा बहुत विज्ञान से जुड़े हैं, कोई पढ़ाई आदमी नहीं था न्यूटन। आइंस्टाइन ने भी पढ़ाई की थी, लेकिन आविष्कार जो आइंस्टाइन ने किया वो किसी लैब में नहीं किया, उसके पिता ने कहा कि मेरा काम संभालो, जाकर के वो दुकान पर बैठने लगा, तब उसने दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार किया। तो ये हमारे जो बकरी और भेड़ पालक है, मैं समझता हूँ कि इनके पास जो विधा, किसी ने कहा कि हम पुराने काल में जो कर रहे थे, मुझे लगता है कि उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, और ये एक अच्छी विधा हमारे देश की रही है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मैं कुछ बातें हैं जो अभी हम लोगों ने दूरदर्शन का कार्यक्रम देखा, उसमें एक साथ भाई कह रहा था कि हमें अगर सेट्स मिल जाए तो 1000 सेट जम्मू कश्मीर प्रशासन बनावे। आपको बताया था शहीद इकबाल चौधरी साहब ने कि 1500 सीप यूनिट पिछले साल शुरू की गई थी, 1500 इस साल फिर शुरू की जाएगी। सेंट्रल रूरल डेवलपमेंट बोर्ड की टीम अभी श्रीनगर आई थी 30-31 अगस्त को, और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो प्रोजेक्ट दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2-3 महीनों में
30 करोड़ 80 लाख की प्रोजेक्ट भारत सरकार स्वीकृत करेगी, उससे भी एक बड़ी आबादी का हम कल्याण कर पाएंगे। हर ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और 3 लाख रुपए शेयरिंग मशीनरी के लिए, अभी साहिद इकबाल चौधरी ने आपको बताया है, और 5 करोड़ रुपए लगाकर कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हम एक जम्मू में और एक श्रीनगर में बनाएंगे, जहां ट्रेनिंग स्किलिंग और मार्केटिंग की सुविधा हम विकसित कर सके। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, इस कार्यक्रम से अच्छे परिणाम आएंगे इसके बाद जो गहन चर्चा आप करेंगे, आपको शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद।